आ रहे हैं और बहुत भारी पड़ गए हैं अब राहुल गांधी जी बीजेपी के ऊपर, मोदी के ऊपर, सब नेता के ऊपर, उनके पास कोई जवाब नहीं, इसलिए उल्टा पुल्टा बातें जो मुंह में आ सकते असभ्य। राहुल गांधी क्या है अभी तक समझे नहीं, और ये लोग देशभक्ति क्या है जानते नहीं है, ये गुंडे मोबाइले की तरह बात कर रहे हैं। इस तरह की बातें कौन करता है? जो आदमी पैदल माप ले पूरा देश को, गांधीवादी नहीं तो क्या है? और आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन में आपके साथ अभिजीत सिंह। बिहार में एक विपक्ष की जो बड़ी बैठक होने वाली है, जिसको लेकर जिस तरह से बात करें कि तमाम जो विपक्ष के शीर्ष नेता हैं वो पहुंच रहे हैं, और वहीं बात करें तो कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी भी पहुंच रहे हैं, इसी को लेकर जब सवाल किया गया जो बिहार कांग्रेस के प्रभारी हैं भक्त चरण दास से, तो कि यार राहुल गांधी भी आ रहे हैं, तो उनका साफ तौर पर कहना है कि राहुल गांधी आ रहे हैं और ये भारतीय जनता पार्टी पर राहुल गांधी भारी पड़ गए हैं, मोदी पर भारी पड़ गए हैं, और जिस तरह से विपक्ष एकजुट हो रहे हैं तो ये लोग बौखलाए हुए हैं, इसको लेकर क्या कुछ कर रहे हैं बिहार कांग्रेस के प्रभारी भक्त चरण दास, पहले सुनिए उनकी बातों को। और उसका प्रयास जारी है, क्या लगता है कि बंगाल में इस तरह से हत्या हो रही है कांग्रेस नेताओं की? अधीर रंजन चौधरी ने बजाबते कहा है कि टीएमसी टारगेटेड किलिंग कर रही है। देखिए एक तो है जिले में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और वहाँ के जनता के लिए जस्टिस, दैट इज डिफरेंट फाइट, लेकिन एक है पूरे देश के हित के लिए जो फाइट हो रहा है बीजेपी के साथ, वो अलग है। व्यापकता को भी समझना है और स्थानीयता को भी देखना है, जो भी है अच्छे रास्ता निकलेगा। धन्यवाद। राहुल गांधी को ओसामा बिन लादेन कहा जा रहा है, ये लोग राहुल गांधी क्या है अभी तक समझे नहीं है, और ये लोग देशभक्ति क्या है जानते नहीं है, ये गुंडे मोबाइले की तरह बात कर रहे हैं। इस तरह की बातें कौन करता है? जो आदमी पैदल माप ले पूरा देश को, गांधीवादी नहीं तो क्या है? अरे गांधी पर रहते तो गौरसे के रास्ते पर चल रहे हैं, ये लोग कहेंगे उनकी बात को हम क्यों ध्यान दें? राहुल गांधी जी आ रहे हैं क्या 23 जून को? आ रहे हैं और बहुत भारी पड़ गए हैं अब राहुल गांधी जी बीजेपी के ऊपर, मोदी के ऊपर, सब नेता के ऊपर, उनके पास कोई जवाब नहीं, इसलिए उल्टा पुल्टा बातें जो मुंह में आ सकते असभ्य बर्बर बातें कर रहे हैं, जो पढ़े लिखे नहीं है ऐसी बातें कर रहे हैं, और ऐसे लोग सत्ता में है, देश भी चला रहे हैं, तो आप समझ लीजिए। देश के नेतृत्व एक सामूहिक शक्ति उभर के आ रहा है, आगे समय बताएगा। चलिए प्लीज, आपने सुना भक्त चरण दास किस तरह से कह रहे हैं कि राहुल गांधी हैं जो भारतीय जनता पार्टी पर भारी पड़ गए हैं और नरेंद्र मोदी पर, और वहीं बात करें तो जिस तरह से जो बिहार के बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं सम्राट चौधरी, उन्होंने कल कहा था कि जो राहुल गांधी हैं वो ओसामा बिन लादेन के जैसा दाढ़ी बढ़ाने से वो कभी प्रधानमंत्री नहीं बन जाएंगे, उस पर उन्होंने कहा कि इन लोग राहुल गांधी को नहीं पहचान रहे हैं जो कि पूरे देश को पैदल नाप दिए हैं, इन लोग गुंडे मवाली के जैसा बोलते हैं। और जिस तरह से बात करें कि विपक्ष की बैठक होने वाली है तो उसमें तमाम जो शीर्ष नेता हैं विपक्ष के वो पहुँचने वाले हैं, जिस तरह से कहें तो भक्त चरण दास ने स्पष्ट कर दिया है कि राहुल गांधी हैं जो बीजेपी पर भारी पड़ रहे हैं, और जिस तरह से कहें तो साफ ये संकेत भी है कि अगला अगर प्रधानमंत्री कोई होगा तो राहुल गांधी होगा, लेकिन जिस तरह से विपक्ष की बैठक को लेकर भारतीय जनता पार्टी लगातार हमलावर हैं, इसको लेकर तमाम विपक्ष उनके जवाब भी दे रहे हैं। इस तमाम खबर को बने रहें न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।